आपकी रिप्लाई करो समझ में ही नहीं आ रहा। हाँ हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। और ब्रो तनु दिवाली दी लाख 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 बधाइयाँ। हाँ हाँ तुम्हें भी सोडी, तुम्हें भी। अच्छा सोडी तुम तैयार हो ना? ओ ब्रो रोशन सिंह सोडी अपने यारों के लिए हर दम हर वक्त हर काम के लिए तैयार है। अरे वैसा वाला तैयार नहीं भाई, दूसरा वाला तैयार हो ना? ओ ब्रो आज त्योहार है, आज त्योहार के दिन पार्टी शार्टी कैसे करेंगे यार? अरे सबका पार्टी शार्टी के लिए नहीं भाई, दूसरा वाला मत। तुम लक्ष्मी पूजा करने के लिए तैयार हो अभी? हाँ एकदम तैयार हो गया। और रोशन डार्लिंग और गोगी पुत्र भी बस तैयार हो के आ रहे हैं, फिर हम लोग पहुंचेंगे मेहता साहब के घर लक्ष्मी पूजन के लिए। हाँ शाबाश शाबाश। सोडी मेरा एक काम करेगा प्लीज? ओ पिरो तुझे अभी बोला ना यार, वो यारों के लिए क्या मैं हर काम करने को तैयार हूँ। अभी तुम तैयार हो गए हो तो जरा नाके पे जाके कमल का फूल या अगर वो नहीं मिला तो गुलाब का फूल लेके आओगे प्लीज। क्या है वो भी लक्ष्मी पूजा के लिए चाहिए और मैं लाना भूल गया हूँ। ओहो हाँ, और अगर फूल टाइम पे नहीं आया ना तो माँ भी मेरी जान खा जाएगी। ओहो पिरू तू टेंशन ना ले, माँ भी भाभी को तेरी जान नहीं खाने दूंगा। कभी जाता हूँ और फूल लेके आता हूँ। ओके हाँ थैंक यू सोडी, थैंक यू। तो एक काम कर तुम फूल लेके डायरेक्ट मेहता साहब के घर पे पहुँचो, मैं वहीं पे मिलता हूँ। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? सोडी भाई से क्या कहा आपने अभी? सोडी भाई ने बोला वो फूल लेके आ जाएगा। सोडी भाई ने नहीं, सोडी भाई से आपने क्या कहा ये पूछा मैंने। सोडी भाई वही फूल लाने के लिए कहा। उसके पहले? उसके पहले हाँ हैप्पी दिवाली। ये बहुत पहले हो गया। फूल टाइम पे नहीं आए तो? फूल टाइम पे नहीं आए तो क्या? फुल टाइम पे नहीं आए तो मतलब? कुछ नहीं कहा। नहीं फुल टाइम पे नहीं आए तो माधवी मेरी जान खा जाएगी। हाँ ऐसा बोला मैंने? सुनो इशारे मत कीजिए अभी, आप मेरे से बात कीजिए। मेरे से क्या कहा था? हाँ वो बोल रही हो ना तुम समझी नहीं। माधवी मेरी जान फुल स्टॉप है वहाँ पे, माधवी मेरी जान है असर। ओ हो तो खा जाएगी का क्या है? मैं आपको याद दिलाती हूँ तो इसका मतलब मैं आपकी जान खाती हूँ। हाँ मेरा मतलब वो नहीं था माधवी। दोस्तों के सामने आप बीबी की बुराई करते हो। नहीं माधवी ऐसा नहीं, मेरे सामने ऐसी ऐसी बातें करते हो, पता नहीं मेरे पीठ पीछे क्या क्या बोलते होंगे। वो नाऊ देना बाबा, आप जाइए फटाफट रेडी होके आइए। अरे वही तो बोल रहा हूँ मैं, फटाफट रेडी होता हूँ। तू कशाला स्ट्रेस घेते है? अरे फिर मैंने याद दिलाया है ना, लाने लेके आएंगे। नहीं तू रिलैक्स कर। वो रोशन डार्लिंग और गोभी बत्तर और जल्दी आओ, और कितनी देर तैयार होने में? मैं तो हो गया। आ गया पापा, आ गया। हैप्पी बंदी छोड़ दिवस पापा, हैप्पी दिवाली। हैप्पी बंदी छोड़ दिवस, हैप्पी दिवाली। क्या बात है पापा, मैं कैसा लग रहा हूँ? अरे गोगी बता, तू तो मेरा कोहिनूर हीरा है, और हीरे को कोई भी कपड़े पहना दो वो हीरा ही लगता है। थैंक यू पापा, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। रोशन ओके भी लागू छू। मर जावा गुड़ खा के, और लगता है दिवाली तो हो पी आई है। सोनिए आज तेरी खूबसूरती के आगे ये पटाखों की रोशनी भी है ना फीकी पड़ने वाली है। रोशन सो काईपन हाँ कोके भी बड़ा हो गया है। देखियो सोनिए, ओए अपनी सुंदर ब्यूटीफुल प्रिटी बीवी की तारीफ करना कोई बुरी गल है? बिल्कुल नहीं। अच्छा तुम लोग थोड़ी देर इधर ही रुको, मैं थोड़ा टचअप करके आती हूँ, फिर हम लोग साथ में अंजलि भाभी के गेट चलते। रोशन डार्लिंग अभी पिडू का फोन आया था, मुझे अर्जेंटली फूल लेके आना है। काम करूंगा, फूल लेके सीधे मेहता साहब के घर पहुंचूंगा, तू ही होती आज। ठीक है पर मोरू ना कटा। पापा मैं भी आपके साथ आऊं? ओए डॉगी पुत्र नेकी और पूछ-पूछ, आजा यारा आजा, और दोनों एक साथ जाएंगे और साथ में दिवाली की रोशनी और जगमगाहट भी देखेंगे। हाँ चलिए चलिए, टप्पू को भी साथ में लेकर चलते हैं। हाँ बताए टप्पू उधर को भी लेकर चलते हैं। चल चलो चल सोनिया मिलते हैं। ओके बाप, चलो मेरे गुरु चरण सिंह गोगी बेटा। पापा अरे कोमल आंटी, हैप्पी दिवाली कोमल आंटी। हैप्पी दिवाली कोमल भाभी जी। ओ हाथी प्राण और गोली पुत्र कहते हैं। इतने सारे बॉक्स किसके लिए? अरे गोगी पूरी सोसाइटी के लिए मिठाई लाया है। वो ठेली है ना, उसमें काजू कतरी, मोतीचूर के लड्डू, मोहनथाल, बर्फी है। मजा आएगा। और गोगी दूसरी थैलियों में गुजिया है, गुलाब जामुन है, कलाकंद है, मुंबई हलवा और मैसूर पाक भी है। अरे गोगी गुगरा भी है। ओ यारो, इतनी सारी मिठाइयों के नाम ले लिया, मेरे मुंह में तो अब भी से पानी आ गया। अरे टोडी अंकल, हम लोग मिठाई ला रहे थे तो हमारे भी मुंह में पानी आ गया। 2 बॉक्स तो ऐसे ही खत्म हो गए, है ना बाबा? हंस, अब मिठाई का नाम लिया ही है तो आप लोग भी मुंह मिठा कीजिए। अरे बोली, अरे मैंने तो खिलाया ही नहीं। क्या सॉरी सॉरी सॉरी, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। मजा आ गया बाबा। आदि भाई, मैं और गोगी, मैं तो आपके घर में लक्ष्मी पूजन है ना, उसके लिए फूल लेने जा रहे हैं। वो आप भी चलो साथ में, इसी बहाने दिवाली की रोशनी और जगमगाहट भी देखेंगे। सोडी, मैं अभी तक तैयार नहीं हुआ, पर हाँ गोली तैयार है, तुम इसे ले जाओ। हम सीधा मेहता साहब के घर पे ही मिलते हैं। ठीक है जी, मोहन भाभी तुम चलो। अरे नहीं नहीं सोडी भाई, अभी मुझे दिए जलाने हैं और घर में थोड़ा सा काम भी बाकी है, आप लोग हो आई। पागल भी है। बच्चों चलो कपूतर को ले लेते हैं और फिर चलते हैं। हाँ चलो चलो चलो। बेबी एक मिठाई का बॉक्स साथ में लेकर जाओ। ठीक है मम्मी। बाबा 1 मिनट पकड़ो। हाँ हाँ 1 मिनट। चलिए चाचा जी, हैप्पी दिवाली, मुबारक जी, मुबारक। अरे पप्पू तू भी सही है। अरे भाई, आज दिवाली के दिन चाचा जी के आशीर्वाद लेने आया था। अरे चाचा जी का आशीर्वाद तो हमको भी चाहिए। आओ बच्चों आओ। हैप्पी दिवाली दादा जी। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली दादा जी। हैप्पी दिवाली बच्चों, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। खूब खूब प्रगति करो है, और दिवाली के दियों की तरह पूरी दुनिया में अपने कर्मों की रोशनी फैलाते रहो। थैंक यू दादा जी, थैंक यू दादा जी। दादा जी, जेठा भरा और टप्पू पुत्र कितने हैं? वो तैयार हो रहे हैं। वो हम लोग अभी दुकान में चोपड़ा पूजन करके आए हैं ना। अरे वाह, बहुत अच्छा। बुलाओ पर तेरा बुलाओ टप्पू पुत्र, तेरा बुलाओ टप्पू पुत्र। अरे बढ़िया बढ़िया। और जेड़ा भरा, और दुकान पे चोपड़ा पूजन अच्छे से हो गया? अरे मस्त हो गया छोटी, वो निपटा के ही आ रहा हूँ बस अभी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये लीजिए सब मिठाई का ये, और जेठा अंकल स्पेशली आपके लिए है घुघरा। अरे वाह घुघरा, अरे ये तो मेरा फेवरेट है एकदम। तो जलेबी? जलेबी भी है बापू जी, लेकिन क्या है की दिवाली में घुघरा और जलेबी तो 12 मास। घुघरा तो मेरा भी फेवरेट है। लीजिए ना, लीजिए ना दादा जी, ले ले। वाह यस। अरे गोली कितना मिठाई खाएगा? गोभी दिवाली है यार, चलता है यार। वाह 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 गोली, बहुत टेस्टी है, बहुत मस्त है बेटा, सुपर। मजा आ गया, मजा आ गया। वाह 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 भाई, मेरी तो इस दिवाली में भगवान से एक ही प्रार्थना है कि सब लोगों को इस मिठाई की तरह मीठा बना दे, ताकि इस दुनिया में किसी के भी मन में भेदभाव ना हो, है सिर्फ दोस्ती और भाईचारा हो। करेक्ट है चाचा जी। बापू जी वाह वाह वाह, दादा जी क्या बात कही आपने, वाह। अच्छा चलो भाई चलो, मैं तो उसके घर लक्ष्मी पूजन में जाना है ना। चाचा जी उसके लिए थोड़ा टाइम है, उससे पहले हम लोग पूजा के फूल लेने जा रहे हैं, आप लोग भी चलिए ना। हाँ चलिए चलिए चलो। अरे 1 मिनट छोटी, लेकिन तू क्यों जा रहा है? पूजा की सारी सामग्री तो भिड़े लाने वाला था ना। ओ जेठा भरा, वो पिड़ू का मुझे फोन आया था, वो फूल लाना भूल गया। अब अगर जल्दी जाके हम लोग फूल लेके नहीं आए ना तो माधवी मैनी उसकी जान खा जाएगी। ओ ऐसा पिड़ू मुझे फोन करके बोला यारो। पोपटलाल सुना सुना, बस तभी ये बात जिंदगी भर के लिए याद रख ले भाई, सुखी सांसारिक जीवन का गुरु मंत्र है कि कभी भी बीवी की कही कोई भी बात भूलनी नहीं चाहिए। ओए एक बात अगर भूल जाओगे ना तो पूरे साल उस बात के ताने सुनने पड़ेंगे। खबरदार हो, मेरी बेटियों को कुछ बोलना मत, मेरी बेटियां लापरवाह नहीं है, तुम सब लोग लापरवाह हो। बिल्कुल सही कहा चाचा जी आप। पता नहीं भगवान ऐसे लापरवाह लोगों की शादी कैसे करवाता। और मुझ जैसे लोग जो पत्नी की सही कदर करना जानते हैं उन्हें सालों तक कुंवारा रखता है। पत्नी सिर्फ अपने रहने से घर को मंदिर बना देती है। घर का, पति का, बच्चों का कितना ख्याल रखती है। और इसीलिए तो पत्नी को गृहलक्ष्मी कहा गया है। अरे भाई तू तो एकदम भावुक हो गया। हाँ पप्पू यार, मैं तेरे लिए अरदास करूंगा कि अगले साल की दिवाली पे तेरे घर में भी गृह लक्ष्मी हो और अगले साल की लक्ष्मी पूजा वो भी तेरे घर पे हो। हाँ। वाह 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 सुनी मेरे भाई, क्या बात कही है तूने। तेरे मुंह में घी शक्कर। वाह। अरे एक मिनट बोले, हाँ ये ले घुघरा खा, इसमें घी और शक्कर दोनों है। खा 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 पूरा पूरा पूरा। अबे क्या भी घी शक्कर कर दिया इसके। चाचा जी आप भी आशीर्वाद दीजिए कि सोडी की बात सच हो जाए। हाँ करेक्ट है। ओ यारो इसी बात पे फूल लेके आते हैं और साथ में दिवाली की खूब सारी जो लाइट है, जगमगाहट है, वो भी देख के आते हैं। चलो चलो। हाँ चलो, मैं भी चलता हूँ तुम लोग के साथ। मैं भी चलता हूँ आप लोग के साथ। हाँ आप लोग जाओ, मैं डायरेक्ट मेहता सबके घर पे मिलता हूँ। लेकिन वक्त पे आ जाना भाई, देर मत करना। नहीं बापू देख दो, व्यापारी को हैप्पी दिवाली का फोन करना है, वो करके बस आता हूँ। व्यापारियों को फोन करने से पहले एक बार बबीता जी को फोन करके हैप्पी दिवाली बोल देता हूँ। अय्यर देखो किसका फोन है। हाँ देखते हैं, जेठालाल का फोन। हेलो। अरे आपकी आवाज को क्या हो गया बबीता जी? जेठालाल, मैं अय्यर बात कर रहा हूँ। अय्यर भाई आप, हैप्पी दिवाली। हाँ तुमको भी हैप्पी दिवाली। जेठालाल, बबीता के मोबाइल पर तुमने फोन क्यों किया? नहीं बस हैप्पी दिवाली बोलने के लिए। ओके ओके चलो। अरे क्या चलो, अरे आपको हैप्पी दिवाली बोला, बबीता जी को क्या बोला? उनको फोन दो, उनको भी बोल देता हूँ। अरे जेठालाल, बबीता तैयार हो रही है, मैं उसको बोल देगा। अय्यर कैसे लग रही हूँ मैं? हेलो, कैसी लग रही हूँ मैं? तुम कितना ब्यूटीफुल लग रही हो। थैंक यू सो मच अय्यर, और तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो आज। थैंक यू सो मच। वैसे फोन किसका था? था नहीं, फोन है जेठालाल का फोन है। अच्छा क्या बोल रहे हो, दिखाओ। लो। हेलो जेठा जी। हाँ बबीता जी, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली टू यू टू। वाह वाह वाह, आज सब एकदम गजब लग रहा है। है? आपको कैसे पता? अरे अभी अय्यर भाई ने आपको बोला ना कि आप एकदम ब्यूटीफुल लग रहे हैं, तो फोन चालू था, मैं सुन रहा था सब। जेठा जी आप भी ना। थैंक यू सो मच। इस दिवाली में माँ लक्ष्मी आपको सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ दे। थैंक यू सो मच जेठा जी, और सारी शुभकामनाएं आपको भी। बबीता जी, ओ मेहता सबके घर पे हो, लक्ष्मी पूजन में आ रहे हैं ना आप? हाँ ऑफ कोर्स, हम दोनों ही आ रहे हैं वहाँ पे, अभी थोड़ी देर में पहुँच रहे हैं हम लोग। बस बस ठीक है ठीक है, मिलते हैं फिर उधर। ओके हाँ जरूर, हम लोग मिलते हैं अभी। हाँ ओके, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली टू यू टू अगेन, बाय। अरे बबीता, अगर मेरे को मालूम होता ना कि तुम इतना सुंदर तैयार होने वाला है तो मैं घर में ये लैंप लगाता ही नहीं। क्यों? बबीता ये लैंप से ज्यादा तो तुम्हारा चेहरा ग्लो कर रहा है। गोश अय्यर, थैंक यू सो मच। बबीता आज तुम घर पर ही रहना, घर के बाहर नहीं निकलना। है? क्यों? क्योंकि बबीता दिवाली का रात अमावस का रात होता है। हाँ तो तुम घर के बाहर निकलोगी तो लोग बोलेंगे कि अमावस का रात को चांद कहाँ से निकल आ गया। गोश अय्यर, अब तुम कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो। हाँ प्लीज। नो बबीता, मैं वही बोल रहा हूँ जो मैं फील कर रहा हूँ। ओके ओके ठीक है बाबा, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। ओके तो अभी हम लोग चले मेहता साहब के घर पे। हाँ चलते चलो। अरे हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। ये देखो क्या बनाई है रंगोली, यार बढ़िया बनाई है। ओ यार, हैप्पी दिवाली भाई, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली बबीता जी, हैप्पी दिवाली। अरे बच्चों जरा संभाल के खेलना, यहाँ पे रंगोली है, खराब ना हो जाए। हैप्पी दिवाली भाई, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। वाओ ये सारी रंगोली कितनी प्यारी है, इनके कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छे हैं ना। अंजलि भाभी ने बिल्कुल फ्रूट सैलेड की तरह सजाया है। कम ऑन हंस, इसमें भी खाने का एग्जाम्पल। और हाँ, हमारी सोसाइटी भी बहुत अच्छी तरह से सजाई गई है। अरे कंदील भी बहुत ही बढ़िया सजाया है। अरे धीरे भाई, माधवी भाभी कहाँ पे है? माधवी तो अंजलि भाभी के घर पे ही है, वो लक्ष्मी पूजन की तैयारी कर रही है वहाँ पे। ओह अच्छा। और रोशन भाभी, सोडी भाई कहाँ है? रोशन तो पूजा के लिए कमल के फूल लेने गए। हम ना ऑटो जशन। बाकी इन सब लोगों का तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आतरम जेठालाल कहाँ है? वही हमेशा लेट होता है। तो है ही भाई, रिकॉर्ड है उसका, लगता है आज भी लेट ही होगा। चलिए चलिए, हम चलते हैं मेहता साहब के यहाँ, वरना कहीं हम लेट ना हो जाए। ये सावकाश है, पोरांनो हालू जरा। अरे तो हो गई। अरे वाह वाह वाह, हैप्पी दिवाली अंजलि भाभी। मानना पड़ेगा क्या घर को सजाया आपने ना, ये सब अंजलि ने मेहनत की है भैया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। भाई पहले ही बोल देता हूँ कि फूल लाना मैं भूल गया हूँ, लेकिन मैंने सोडी को बोल दिया है, वो लेकर आता ही होगा। कोई बात नहीं, आ जाएंगे, फूल भी आ जाएंगे। कोमल, मेहता साहब का मुँह तो मीठा कराओ। अरे लीजिए, ये सब आपको खिलाने के लिए है, प्रसाद का अलग लाइन। मैं ये कह रही थी कि बिंदास मीठा खा लीजिए। दिवाली जो है, दिवाली के बाद थोड़े दिनों के लिए स्ट्रिक्ट डाइट शुरू करना पड़ेगा। हाँ, मैं क्या समझता नहीं, थोड़े दिन मतलब पूरे 365 दिन। अब तो अगली दिवाली को ही मिठाई खाने को मिलेगी। अंजलि भाभी, आज तो दिवाली है और दिवाली पे तो डाइट खुद मीठा खाता है। जोरदार जोरदार। और ये भी बबीता जी, अय्यर भाई फोन पे बराबर बोल रहे थे। थैंक यू अगेन। जेठालाल, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज के दिन तुम टाइम पे आगे लेट नहीं हुए। हाँ। अरे भाई, आज थप्पड़ में दाड़े तो टोना मारवानू रेवा दे भाई। गले मिल, गले मिल। भाई हैप्पी दिवाली भाई, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। क्यों, आपको किस बात का टेंशन था? आपकी डांट का माधवी भाभी। डांटने वाली बात आपने सबको बता दी? नहीं तो सबको कैसे पता चला? माला क्या माहिती है, अभी तुक्का मारा होगा उसने। वो छोड़ो ना, अभी तुम फूल दे दो ना अंजलि भाभी को। चलो पूजा शुरू करते हैं अभी। अभी पंडित जी को तो आ जाने दो, वो आएंगे तब पूजा शुरू होगी ना। हाँ, पर पंडित जी अभी तक आए क्यों नहीं? अंजलि, वो तो तुम्हें पता होना चाहिए, तुमने उनका कॉन्टेक्ट नंबर निकाला था। हाँ, पर फोन तो आप ही ने किया था ना, बात आपने की थी उनसे। अरे मैंने फोन किया तो क्या हुआ, वो लेट हो गए तो क्या मेरी गलती है क्या अंजलि? अरे अरे शांति शांति मेहता साहब, शांति। अंजलि भाभी आ जाएंगे, पंडित जी आ जाएंगे, बस रास्ते में होंगे, पहुंच ही रहे होंगे। साल मुबारक, नूतन वर्षाभिनंदन, हैप्पी न्यू ईयर। आज विक्रम संवत 2075 का पहला दिन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से हमारे प्यारे दर्शकों को हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। आपका पूरा जीवन मंगलमय बना रहे, सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होती रहे, वो ही मैं आशित कुमार मोदी और तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम ईश्वर को प्रार्थना करते हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि आने वाले सालों में भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम आपको हंसाते रहेगी और खुशियां बांटते रहेगी। बस, साल मुबारक, नूतन वर्षाभिनंदन। तो हर्ष, आनंद, समृद्धि और उल्लास और माँ लक्ष्मी की आराधना का पर्व दीपावली गोकुलधाम सोसाइटी में धूमधाम से मनाया जा रहा है। और अभी तो यहाँ बहुत सारे हंगामे, बहुत सारा उत्साह, बहुत सारी उमंग और बहुत सारा उल्लास बाकी है, तो आप हमारे साथ महसूस करेंगे कल। तो कल आना मत भूलिएगा, ठीक वक्त पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दीपावली के पर्व की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हंसी बांटिए। देखते रहिए, हंसते रहिए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Click the show links and enjoy watching the videos.